नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं DRL, AHO और BS4 के बारे में। अभी जो लोग ऑलरेडी समझते हैं इस चीज़ को, वो सोचेंगे कि ये आखिर BS4 का क्या रिलेशन है DRL और AHO से। चलो बता देते हैं, जिनको नहीं पता है उन लोगों को काफ़ी डाउट होता होगा, उनको लगता होगा कि BS4 और AHO जो है, यानी कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन, वो अपने आप से जुड़े हुए हैं। BS4 के कारण ही ये गाड़ियों की लाइटें जो है ये चालू रहना शुरू हो गई। पहले गाड़ियों की लाइट हम बंद कर सकते थे, अब हम बंद नहीं कर पाते। ये क्यों होने लगा है, इन सब की बात करते हैं दोस्तों। पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, BS4 जो है वो है भारत स्टेज 4, यानी कि ये भारत स्टेज इमिशंस जो है गाड़ियों के, जो भी इंजन्स जो है कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ है। इसका कोई लेना देना नहीं है गाड़ियों के बाकी अदर पार्ट से, सिर्फ और सिर्फ इंजन से रिलेटेड ये काम करता है। तो इंजन के अलावा जो भी चीज़ें हैं उनसे BS4 का कोई लेना देना नहीं। लेकिन हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक रूल लागू करना था, वो था ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन, ताकि पेडेस्ट्रियन और जो बाइक वाले बंदे हैं वो दूर से विजिबल हो जाए, पेडेस्ट्रियन को दूर से बाइक दिख जाए, और कोई कार वाला अगर या कोई और अदर व्हीकल अगर बाइक को स्पॉट करना चाहे तो वो दूर से स्पॉट कर पाए। सबसे सस्ता और तगड़ा जुगाड़ इसका यही था कि आप गाड़ी के हेडलैम्प जो है वो ऑन रख दो। तो इस सूरत में सरकार ने क्या किया, ये नियम निकाल दिया कि भैया ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा अप्रैल 2017 से। BS4 का भी सेम टाइम था, अप्रैल 2017 से वो बाइक्स में मैंडेटरी होना था। तो ये दोनों चीज़ लिंक कर गई, कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि अच्छा, BS4 और ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन जो सेम ही चीज़ है, आपस में ही उसी में लागू है, ऐसा नहीं है। BS4 अलग था, ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन अलग सिस्टम था, लेकिन हाँ, क्योंकि डेट सेम थी इसीलिए आपको ये सेम लगता होगा। अब बात करते हैं DRL की। DRL होते हैं डे टाइम रनिंग लैंप, कुछ लोग इनको डे टाइम रनिंग लाइट्स भी कहते हैं, और क्योंकि ज़्यादातर DRLs में LED का यूज़ होता है तो कुछ लोग इसे डे टाइम रनिंग LEDs भी कह देते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन है या प्रॉपर इसका फुल फॉर्म है वो डे टाइम रनिंग लैंप है। ये DRL, ये AHO, ये सब देखो चौंचले हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं। ये यूरोप से या UK वगैरह से, स्पेसिफिकली UK की बात करूँ मैं या फिर USA चला जाऊँ, तो ये यूरोप या USA वगैरह से ली हुई चीज़ें हैं। दरअसल ये वहाँ पे ज़्यादा इसलिए मैंडेटरी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सर्दियाँ रहती है, फॉगी कंडीशन होती है, स्नोफॉल होती है, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, बाइकर्स वहाँ कम होते हैं, इसीलिए वहाँ पे नॉर्म्स बनाने भी आसान होते हैं। तो वहाँ पे एक नियम निकाल दिया गया, भैया आपकी बाइक जो है ये 2003, अगर मुझे अच्छे से याद हो तो 2003 के आसपास निकाला गया था, तो 2003 में ये नियम निकल गया, आपके पास बाइक है तो उसमें ऑटोमेटिकली हेडलैम्प जो है वो ऑन होने चाहिए, ये नॉर्म हो गया। इसके कारण क्या होगा, पेडेस्ट्रियन को बाइक आसानी से दिखेगी और बाइक वाला भी विजिबल होगा बाकी कार वगैरह वालों को, तो एक्सीडेंट्स जो है उनमें गिरावट आएगी। एक्चुअल में गिरावट आई भी, लेकिन वो चीज़ कंडीशन यहाँ इंडिया में इतनी नहीं है, यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ एक महीनों में ज़रूर विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो वहाँ पे हम डेफिनेटली अपनी बाइक्स की हेडलैम्प ऑन कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने सोचा कि लोग अपने आप करेंगे नहीं करेंगे, जो भी हो हम तो सीधा रूल बना देते हैं भाई कि एक BS4 के साथ साथ ही ये AHO वाला सिस्टम भी कर देते हैं। AHO जो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन सभी की सारी कंपनियाँ देगी। ये होना है, दरअसल ऐसा था कि सब गाड़ियों में कुछ DRLs लगने थे। ये जो DRLs है, डे टाइम रनिंग लैंप, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बहुत सारी गाड़ियों में आते हैं, तो ये DRLs अगर गाड़ियों में लग जाते तो लो कॉस्ट है, LEDs जो है बैटरी भी कम खाती है, और थोड़ा सा कॉस्ट ऐड करने के बाद में आपके पास ये AHO वाला काम भी हो जाता। लेकिन फिर इसके बाद में कॉस्ट कटिंग करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, एक बढ़िया सी चाल चली, उन्होंने कहा कि ये जो हेडलैम्प हम दे रहे हैं इसको ही परमानेंटली ऑन कर दो, नो मैटर बैटरी में क्या डैमेज हो रहा है वो हम नहीं देखेंगे, वो कस्टमर जो है बैटरी का खर्चा, बैटरी का लोड जो है वो कस्टमर पे ही आने दो। अभी ये सारा रायता तो फैल गया, लेकिन अभी जो भी है इसके 2-3 प्लस पॉइंट्स ये है कि हाँ, डेफिनेटली सेफ्टी में इम्प्रूव होता है, आपको बाइक जो है वो दूर से आती हुई दिख जाती है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इंडिया में लोगों को हाई बीम लो बीम में अभी भी फ़र्क समझाना मुश्किल है, हालांकि हाई बीम और लो बीम का स्विच दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग जो है हाई बीम पे चलते रहते हैं हमेशा की तरह, तो लोगों में अभी भी नॉलेज पूरी नहीं है। रूल लागू कर दिया गया है, ढंग से हुआ नहीं हुआ ये आप डिसाइड करो। ये सारा सौदा है DRL, जो मैंने आपको बता दिया, डिजाइन मिल नाइट, जो कि ऑलमोस्ट सारी कार मैन्युफैक्चरर्स भी अब प्रेफर कर रहे हैं। उसके बाद में AHO, तो बाइक्स वगैरह हम सब में आना कंपलसरी ही हो गया है, बिना AHO के ना तो स्कूटी आती है ना बाइक आती है। और तीसरी चीज़ BS4, जिनका इससे एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सेम टाइम पे लागू हुए थे इसलिए ये इसके साथ लिंक हो गया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड मैं एक ना एक वीडियो आपके लिए रोज ना रोज लाता रहता हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।